दोस्तों, आज उत्तराखंड में कई गैर सरकारी संस्थाएं प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इन सभी संगठनों में एक संगठन एक ऐसे भाई का भी है जिसने अपने भाई के इस दुनिया से चले जाने के बाद खुद को समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिसने अपने भाई की याद में एक संगठन खड़ा किया और आज लोगों के बीच में रहकर लोगों की खुशियों के लिए काम कर रहा है। हमारी आज की कहानी आशीष गोदियाल की है, जिन्होंने अपने भाई की याद में अपना गौरव नाम की संस्था बनाई और बेहद कम संसाधनों पर समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आशीष जी, आपने इस संगठन की शुरुआत कब की थी और आपका संगठन को शुरू करने का मकसद क्या था? संगठन की जो शुरुआत हुई थी मई 2019 को इसका जो है रजिस्ट्रेशन किया गया था और उसके बाद मई 25 से ही हमने इस संगठन के जो कार्यक्रम हैं उनका पहला जो कार्यक्रम हुआ था वो मई 25 2019 को हुआ था। उस दिन जैसे आपने पूछा कि संगठन का जो उद्देश्य, मतलब क्यों हमने इसको स्टार्ट किया, तो वो क्या था कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई 2018 की बात है। मई 2018 में हम लोग गाँव में थे, हम गाँव गए थे, एक शादी समारोह था, उसमें परिवार में ही था, तो मेरा साथ मेरा छोटा भाई था। हम लोग गाँव गए थे और गाँव जाने के बारात में जाने की तैयारी थी, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा, छोटे भाई से कहा कि बारात में जाना गाड़ी धो के आते हैं। तो गए हम लोग गाँव से, थोड़ा सा नीचे आकर के रोड है, रोड में हमारी गाड़ी खड़ी थी, रोड से मैंने कहा चलो तुम चलाओ। वो रोड में खड़े सब लोगों से मेरा छोटा भाई जो है हाथ मिलाकर बड़े प्यार से और हंस के उनके मजाक करके बात कर रहा था। जैसे उसने गाड़ी खोला, गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा, गाड़ी स्टार्ट भी की, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ी सी करीब 10 मीटर आगे गाड़ी चली होगी और गाड़ी चलाते चलाते वो स्टीयरिंग पे एकदम से झुक गया। हंस रहा था, हंसते दूसरे लोगों से मजाक करते और वही मुस्कान बनाते हुए वो झुक गया। मुझे लगा कि शादी का माहौल है, हो सकता है थका हो, तो ये थोड़ा सा चक्कर आ गया। मैंने उसको बोला तू उतर के इधर बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं स्टीयरिंग पे बैठा, मैंने भी 10 मीटर और आगे गाड़ी चलाई, देखा कि वो बिल्कुल मूर्छित हो चुका था। मैंने उसको हाथ लगाया, उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला, वो कुछ नहीं बोल पाया, पता नहीं कुछ इशारा कर रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मैंने जैसे तैसे गाड़ी साइड लगाई और मैं भी थोड़ा सा होपलेस हो गया। मैंने उसको गाड़ी से 2-3 लोगों को और मेरे पीछे दो लड़के, मेरे चाचा के लड़के बैठे थे, हम तीनों चारों ने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, नीचे लिटाया, लेकिन मुझे तब तक भी ये था कि ये थोड़ा सा बेहोश हो गया, थक गया। और फिर उसके बाद जो था, शादी में जितने भी सब लोगों को पता लगा, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। और जब भीड़ इकट्ठा हो गई सब लोग, अब मुझे तो, मैंने कभी ऐसी स्थिति पहले देखी नहीं थी, तो मुझे फिर भी वो लग रहा था ये बेहोश हुआ, लेकिन जिन लोगों को पता था, शायद किसी को कोई आभास हो गया, तो लोगों में एक दूसरे तरीके का मुझे दिखने लगा, जैसे बहुत कोई अनहोनी हो गई है, तो मैं बिल्कुल होपलेस हो गया और मैं बस यही बोल पाया कि इसे तुरंत गाड़ी में डालो और इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जैसे उसको उठाया, गाड़ी में डाला, और जैसे कहते हैं ना कि गांव में देवी देवता, मैं मानता हूँ देवी देवता हैं, सब कुछ हैं, मैं भी आस्था रखता हूँ, मैं भी रोज़ धूपबत्ती करता हूँ, ठीक है, मैं भी उनको याद करता हूँ, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर मैं सोचता हूँ उसकी जागरूकता ज़रूरी है, वहाँ पर जागरूकता की कमी थी और मैं खुद होपलेस हो गया था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे देवी देवता नाचने लगे, जिस पेशेंट को हमने गाड़ी में डाल दिया था उसको गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया कि इसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा है और हमारी गोद में रहेगा और अभी ठीक हो जाएगा, जिसमें काफ़ी समय व्यतीत हो गया, करीब 1 घंटा लग गया। और फिर दोबारा जब वो नहीं होश में आया, फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से उसको हमने गाड़ी में डाल करके और जब तक डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने जाते ही बोल दिया कि अगर आप इसे आधे घंटे पहले लाते तो हम कुछ कर सकते थे। तो वो चीज़ मुझे चुभ गई, हम लोग बड़ी मुश्किल से, मतलब उसको वापस घर लेकर के आए, खुशी का माहौल था परिवार में, शादी हो रही थी, और एकदम से गम में बदल गया, माहौल ही पूरा चेंज हो गया। तो सारे परिवार जो है, मतलब टूट सा गया था कि एक तो घर का सबसे छोटा, सबसे प्यारा, और उसके साथ, और केवल 21 साल की उम्र, मतलब इतनी यंग एज में, जब उसने समझ लो अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की थी, अगर उस एज में ऐसा हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस बीच में यही सोचता रहा कि शायद मेरी गलती थी कि अगर मैं होपलेस ना होता, मेरे को फिर मैं सोचने लगा, मुझे कुछ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स मिली थी, अगर मैं उस समय वो यूज़ कर लेता तो शायद हो सकता था, मैं नहीं कहता कि 100%, लेकिन हो सकता था कि कुछ हो जाता, या नहीं भी होता तो मुझे लगता कि मैंने कोशिश तो की थी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं मन में यही सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए, कुछ इस
ऐसा होना चाहिए कि लोगों में जागरूकता आए और जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो। उसके बाद क्या, मैं ऐसे ही बैठा था, कुछ टाइम बीता तो उसके बाद मैं घर में ही बैठा था, अकेला बैठा था, सोच ही रहा था। तो मेरे चाचा जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, श्री वीरेंद्र दत्त गोदियाल जी, जो एक पर्यावरणविद भी हैं और उनकी अब संस्था है, पर्यावरण पे काम करती है समलौण के नाम से। उन्होंने मेरे को, वो मेरे पास आए बैठे, बोले तू क्यों सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा है। मैं तो मैंने उनको यही बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं उसी बारे में सोच रहा था कि उस दिन ऐसा हुआ क्या। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा सोच मत, जो हो गया उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम, मेरे छोटे भाई का नाम गौरव है, गौरव था, तो हम गौरव के नाम से कुछ ऐसा करें कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। तो मैंने उनको वही बोला कि बिल्कुल चाचा जी, जो मैं सोच रहा था वो आपकी जुबान से निकला है, बस वही बात हुई थी। और उसके बाद मैंने फिर जो भी मेरे आसपास के लोग थे, जैसे मैं बताना चाहूँगा, देव एकेडमी है, उनके डायरेक्टर है देव एकेडमी के, पंकज रावत और सौरभ गोदियाल मेरे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, द्वारिका गोदियाल और सतीश गोदियाल, साथ में हमारे चाचा जी हैं बलदेव गोदियाल जी, ठीक है, जो अभी अध्यक्ष हैं हमारे सोसाइटी के। तो हम, मैंने सबको इकट्ठा किया और बात की इनसे कि क्या करना चाहिए। मैं, हमारी सोच है कि ऐसा कुछ करा जाए कि जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, ऐसे कुछ जागरूकता फैलाने का। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया, सब लोग हम जब बैठे तो सुझाव आए कि हम लोग अकेले जा कर के किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, क्यों ना हम एक सोसाइटी का गठन करें, एक सोसाइटी का गठन कर करके फिर इस चीज़ का करें तो शायद उसका ज़्यादा महत्व होगा। बस उस दिन से हमने कार्यवाही शुरू कर दी थी और धीरे धीरे फिर फरवरी में ये हमारी बातचीत हुई थी और फिर हमने अपना सारे कागजात वगैरह इकट्ठा किए। 20 मई को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, देहरादून में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके बाद जो है 25 मई को, जैसे मैंने बताया कि हमारा उस दिन गौरव की पुण्य, सॉरी, अपना पिंडदान था, तो पिंडदान के दिन ही हमने पहला कार्यक्रम इसका किया था। और आशीष जी, जैसे कि पहाड़ों में, बेसिकली उत्तराखंड में समस्याएं सबसे ज़्यादा ये हैं कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा जो है सरकार उसे अच्छे से नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। एक तो शिक्षा हो गई, हेल्थ हो गई, और आपका दूसरा रोज़गार, ये तीन मुख्य समस्याएं हैं जिसको लेकर पलायन सबसे ज़्यादा पहाड़ों से होता जा रहा है। तो आप इसके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। शिक्षा के लिए हम लोगों ने, जैसे शिक्षा में जो हम लोग कर रहे हैं, एक स्किल डेवलपमेंट जो हम करना चाह रहे हैं और हमने किया भी है, साथ के साथ हम लोग जो शिक्षा के लिए जो कर रहे हैं वो स्कूलों में जा कर के, अभी हमने पीछे भी किया है अपने ही क्षेत्र में, हमारा जो पैतृक गाँव है कोठी पाटली, वहाँ जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, हमने वहाँ पर जा कर के बात की वहाँ के जो शिक्षक थे, और उन्होंने हमारी हेल्प भी की कि हम आपके यहाँ पर आकर के अगर 10 दिन आपके बच्चों को किसी, आपके जब स्कूल टाइम आधा घंटा उसके बाद हमें मिल जाए और हम उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से जो हम पढ़ा सकें, बता सकें, समझा सकें, तो वो हमने किया। और आगे भी हम लोग ऐसा ही करना चाहते हैं। मेन जो हमारा फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ है कि जैसे हमारी शिक्षा आए, शिक्षित बच्चा स्कूल से शिक्षित हो रहा है, उसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके बाद हम उसके अंदर जो उसका टैलेंट है उसको तरासें, तो वो हम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे हमने मेरे साथ जो हमारे उपाध्यक्ष हैं सतीश गोदियाल जी, वो मेडिकल लाइन में हैं, तो उन्होंने हमको सुझाव दिया कि क्यों ना हम गांव में जा करके, अभी हमने पीछे अपने पैतृक गांव में जा करके एक स्वास्थ्य शिविर तो नहीं कहेंगे, बट हमने कुछ दवाइयां जो वो, क्योंकि मेडिकल लाइन से हैं, उनको पता है कौन सी दवाई, तो हमने कुछ दवाइयां लेकर के गए अपने गाँव में जो ज़रूरत डेली यूज़ में आ सकती हैं। एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया हर गाँव के एक परिवार के लिए, उनको समझाया, एक मीटिंग बुलाई कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, और इस तरह से कुछ दवाइयों का वितरण किया। ऐसे ही हम आगे भी, अभी हमने अपने गांव से स्टार्ट किया, धीरे धीरे और भी स्टार्ट ये काम करेंगे। स्वरोजगार की जैसे आपने बात कही, स्वरोजगार में अभी हम लोगों की जो सोच है स्वरोजगार के लिए वो है, हमारा जो पैतृक गाँव है वहीं से हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम लोगों का क्या है कि हम लोग दो चीज़ों में फोकस करेंगे, एक तो है कृषि, ठीक है, दूसरा हमारा जो है पशुपालन। हमारी सोच है जो ज़रूरतमंद लोग हमारे गांव के हैं उनको हम, जैसे पशुपालन में अगर हम 2 या 4 बकरियां खरीद करके दे दें, वो उनको बोलें कि आप मेहनत कीजिए, पालिए और इनसे अपना बिजनेस कीजिए। कोई हमारी ताई जी हैं, चाची हैं, जो अकेले रहती हैं,
ठीक है, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनको एक गाय, अच्छी नस्ल की गाय खरीद के दे दी, आप मेहनत कीजिए, पालिए, दूध इसका, दूध के साथ इसका बिजनेस कीजिए, आप अपना दाल रोटी चलाइए। तो इस तरह से हम लोग कृषि के क्षेत्र में अभी हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग गाँव जा करके एक मीटिंग रखने वाले हैं कि हम लोग जो गेहूं, चावल, कोदा वगैरह बो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बंदर आ रहा है, खा के चला जा रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा, जो हम बीज बोते हैं वो भी हमको वापस नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने गांव में जाकर के सबसे बात करें कि जो लोग गांव में हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, क्यों ना हम लोग जो है, जो ये क्या नाम कहते हैं, हर्ब्स जो होती हैं, अपनी हर्ब्स की खेती की जाए, ठीक है, फूलों की खेती की जाए, जिससे जो बंदर आए उसको कोई नुकसान नहीं करता बंदर, ठीक है। तो हमारा, हम मेहनत भी हमारी हो, हमारा नुकसान भी ना हो और हम उसको फ़ायदा भी मिले। तो इस तरह का हम लोग कुछ आगे, अभी जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम नेक्स्ट गांव जाने वाले हैं, इस पे है। और इसमें युवाओं को किस तरीके से देख रहे हैं, अभी युवाओं के रोज़गार के लिए? युवाओं का जो रोज़गार है, युवाओं का सबसे पहले जो है, मैंने आपको बताया, उनका स्किल डेवलपमेंट, अगर हम उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो, और दूसरी जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने अभी अपनी पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था, वो है कि जैसे आजकल आपने देखा होगा, मैं देखिए, मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे साइड में दो चीज़ें अच्छी चल सकती है, कैंपिंग, दूसरा होम स्टे, ठीक है, घर खाली के खाली पड़े, हम लोगों से घर लेकर के, ठीक है, उनमें अच्छा सा होम स्टे करें, हमारे एक पर्यटक स्थल हमारे गाँव से ज़्यादा दूर नहीं है जिसका नाम खिरसू है, वहाँ तक पर्यटक आते हैं, तो उनको हम लोग ट्रैकिंग और ये सब चीज़ें करा करके और अपने गांव तक लेके आ सकते हैं, वहाँ पर उसका, और इसकी, ये मेरे ख्याल से जो युवा हमारे गांव में रह करके स्वरोजगार करना चाहते हैं, इससे बढ़िया उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आप युवाओं के लिए ये कहना चाहेंगे कि वो होम स्टे का हो गया या आपका कैंपिंग का हो गया, ये इसको शुरू करें वहाँ पर, जो अपने गाँव में रह के काम करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसके साथ चाहते हैं कि हम गांव में ही रहें, और मैं भी चाहता हूं, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि मेरा खुद का मानना है, मेरा अपने गांव से इतना जुड़ा लगाव है, मैं इतना जुड़ा हुआ हूं कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं, अगर मेरे को अपने गांव में कुछ करने का मौका मिले, ठीक है, मुझे छोटा सा रोज़गार मिले, तो मैं वहाँ जाके बसूँगा, और मुझे पता है कि एक ना एक दिन मैंने यहाँ से शिफ्ट होकर अपने गाँव जाना है। तो जो लोग चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं कि हम बाहर ना जाएं, अपने घर में छोटा मोटा कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ करें, तो उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूर ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत हो जाए, और बाकी मेरे से जुड़े, मेरे को पता है कि कैसे बाहर से गेस्ट को लेकर के आना है, कस्टमर को लेकर आना, वो मैं जानता हूँ, आप वहाँ पर बैठ करके काम स्टार्ट कीजिए, उनको मैं लेके आऊँगा। तो वो ये चीज़ मैंने उनको जो है जा करके, हम लोगों ने मीटिंग करके उनको बताना है, और मेरा मानना है कि अगर खिरसू तक लोग जा सकते हैं, खिरसू तक पर्यटक जा सकता है, उसको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे ले जाने का काम मेरा है, वो जो खूबसूरती उसको हमारे यहाँ मिलेगी, जो ट्रैक्स वहाँ मिलेंगे, जो जिस तरह का मतलब, और साथ में जैसे हम लोग जैविक खेती और इसकी खेती की बात कर रहे हैं, हर्ब्स वगैरह की, अगर वो चीज़ें किसी को वहाँ मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से कोई वहाँ कोई ऐसा होगा जो वहाँ ना जाना चाहता। तो हम आपको अपने माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, अगर आपको आशीष जी से कोई भी मदद चाहिए तो आप उनसे बेझिझक होकर आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो आशीष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग 4-5 लोग हैं, 10 हाथ हैं, 10 हाथ से नहीं हो सकता कि हम इतना बड़ा काम कर सकें, तो सब लोगों से मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि जो लोग इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, जो लोग अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे जुड़ें, हमसे बात करें, हमारे सोसाइटी के माध्यम से जो वो चाहते हैं हम वो वैसा करके उनको देंगे। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें हमारे माध्यम से और ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहें, तो उनका स्वागत है, आप लोग हमसे संपर्क करें, और बिल्कुल जैसा हम कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम और अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं।